नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री। क्योंकि ज्योग्राफी लगभग हो चुका है, ठीक है, अभी हम उसमें सॉइल पढ़ना है, वनस्पति है, वेजिटेशन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें ज्यादा नहीं है, वो सब सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी है, मतलब थोड़ा सा समझना है और बाकी याद करना है। जिससे अभी मैं डैम पढ़ा रहा हूँ, डैम पढ़ाऊंगा तो डैम में आप देखोगे कि डैम समझाया तो नहीं जा सकता है, कहाँ कहाँ पे डैम बना हुआ है, किन किन नदियों के ऊपर है, ये आपको याद करना होगा, कौन सी झील कहाँ पे है। तो ज्योग्राफी अब मैं थोड़ा सा उसको आराम देता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में इसको तीन भाग में डिवाइड करूंगा। हिस्ट्री को हम कितने भाग में पढ़ने वाले हैं? तीन भाग में, मॉडर्न, मेडिवल और रिसेंट। पहले हम मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे और फिर एशियन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आधुनिक पढ़ लेते हैं, फिर मध्यकालीन और फिर प्राचीनकाल। इन तीनों हिस्ट्री को हम क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो मॉडर्न से और मेडिवल से बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं मेडिवल और मॉडर्न से बनते हैं, एशियन से थोड़ा सा कम बनता है। बट ऐसा नहीं, मैं उस लेवल का ही पढ़ाऊंगा। अगर मैं एशियन भी पढ़ाऊंगा तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दूं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मैंने मॉडर्न पहले इसीलिए चॉइस किया क्योंकि मॉडर्न से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने मॉडर्न को पहले चूज किया हुआ है, ठीक है। अब आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। अब आप लोग को ये कंफ्यूज होता रहेगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कहीं मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, कहीं मैं हिंदी में लिखता हूँ। तो ज्योग्राफी जो था लगभग मैंने स्टार्ट में उसको हिंदी में किया था, बट बीच में मुझे उसको इंग्लिश में करना पड़ा क्योंकि अगर मैं हिंदी में करता हूँ तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे, जो इंग्लिश में एग्जाम देना चाह रहे वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैंने उसको हिंदी इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, आप भी देखोगे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मैं चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, लिखा इंग्लिश में रहता है तो दोनों का हो जाता है, ठीक है। अब बोर्ड पे मैंने सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, बट मैं बताऊंगा इसको हिंदी में भी, ठीक है, रीड करूंगा, पढ़ूंगा, समझाऊंगा आपको, ठीक है, हिंदी में बोल दूंगा उसको क्या बोला जाता है। तो इससे क्या होगा, दोनों जन का प्रिपरेशन हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हो मैं दोनों लैंग्वेज नहीं लिख सकता, मतलब मैं अगर मैं मुझे तो करना है बट अगर बोर्ड का मतलब बोर्ड का सपोर्ट नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सी जगह ही है, इतनी जगह मैं क्या कह लूंगा। तो वही महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं लिखता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ, बाकी की जो चीजें हैं मैं खुद मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी बोलूंगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अब ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो कम बनेंगे, ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के मैं एक वीक में दो तीन वीडियो अपलोड जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं दोनों साथ में लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम समझते हैं मॉडर्न मतलब होता क्या है। मॉडर्न का मतलब होता है बदलाव, जैसे कि आधुनिक युग में बदलाव। बदलाव का मतलब कैसा, पहले हमने एशियन में थे, प्राचीन में, फिर हम लोग मेडिवल में आ गए। तो मेडिवल का वो पार्ट जहां से हम आधुनिक काल की ओर आगे बढ़े, जो चीजें हम पहले ध्यान देते थे उनको हटा के हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब हमारा देश जो था वो मॉडर्न हो चुका था, जैसे कि हम अब आजादी चाहते थे, ना कि हम पहले की तरह राजाओं में लड़ाई करते थे, जगहों को हस्तक्षेप करना चाहते थे। तो हमारा देश क्या होने लगा, एकजुट होने लगा और मॉडर्न की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहले आज मैं एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, वो होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश का हस्तक्षेप कैसे हुआ इंडिया पे, ठीक है। तो ब्रिटिश एक बहुत बड़ी पावर थी, ठीक है, अपने लिए। हमारे इंडिया में ब्रिटिश एक बहुत छोटी पावर थी, क्यों बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ब्रिटिश पहले हमारे यहाँ पे हमको हस्तक्षेप, हमारे ऊपर राज्य करने नहीं आए थे, हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आए थे, वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। जब ब्रिटिश भारत में आया था, आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, बट ये सोने की चिड़िया के साथ ही ट्रेड करने के लिए लोग आते थे। पहले तो राजा महाराजा आते थे तो लूट के चले जाते थे, तो वो तो हमारा मेडिवल था, बट मॉडर्न में ऐसा नहीं था। मॉडर्न में हम थोड़ा सुधर चुके थे, अब हम क्या करना चाहते थे, ट्रेड व्यापार करना चाहते थे। तो अलग अलग कंट्रियां हमारे भारत में आती थी किसके लिए, सिर्फ ट्रेड के लिए। बट आगे चल के कुछ ऐसा बदलाव हुआ, कुछ ऐसे उनको मतलब लालच आया कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। पूरे की पूरी इंडिया को हस्तक्षेप उन्होंने कर लिया था, ठीक है, एक छोटे से पार्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था, और पूरी की पूरी इंडिया को किस तरह से हस्तक्षेप किया था, इसी हमको यही हमको समझना है। देखो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब होता है कि हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया, इसे बता दिया 1605 में ये हुआ, 1616 में ये हुआ, ऐसे हुआ, खत्म, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में जैसे यूपीएससी में हो गया, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है। तो आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपके कंसेप्ट को बेसिक से क्लियर होना चाहिए, मतलब चीजें फैक्ट्स रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से होता है। और आप जैसे मैं बताऊंगा, एक सीरियल वाइज में बताऊंगा, जैसे आप कोई एपिसोड देखते हो ना कि इस एपिसोड से शुरू हुआ तो वो एपिसोड कंटिन्यू जा रहा है,
उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैं स्टार्टिंग से करूंगा, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके पूरा लास्ट तक 1947 तक, आजादी तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आजाद करा के रहूंगा 1947 तक, ठीक है। तो 1947 तक हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे, और कहीं भी अगर छोटा सा भी डाउट है या फिर कहीं लगता है कि गलत बता दिया हूं तो तुरंत प्लीज कमेंट करिए, वैसे गलत तो होंगे नहीं बट फिर भी, ठीक है। चलिए तो मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में 1600 में आया था, जब ब्रिटिश भारत ने 1600 में एंट्री कर ली थी, 1600 में एंट्री करने के बाद यहाँ पे उससे पहले भी बहुत सारे कंट्री के लोग आके क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। सबने सब एक एक करके ट्रेड करने आए, ठीक है, ब्रिटिश भी ट्रेड करने आया था। फिर आगे जब उसने देखा कि नहीं यहाँ पे तो एकता है ही नहीं, इंडिया में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, तो उसने धीरे 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 राजाओं को राजाओं में लड़ा दिया, और जो ज्यादा स्ट्रांग थे उनके दुश्मनों से दोस्ती करके इसको लड़ा दिया और जीत गया। मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें किस तरह से उन्होंने हस्तक्षेप किया, छोटे से छोटी जगह को लेके उन्होंने कहां तक, पहले हम उनसे ड्यूटीज लेते थे, कर लेते थे, 50-60 साल के बाद हम उनको देने लगे, ठीक है, ऐसे हालत हो गई थी। तो कैसे वो वहां तक पहुंचे, आप यही पॉइंट माइंड में रख के सोचना जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा कि उनकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, उन्होंने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस इंडिया में कितने हाई लेवल तक लेके गए, पूरी तरह से इंडिया को हस्तक्षेप कैसे किया, इतनी बड़ी बड़ी राजा हमारे, इतने बड़े बड़े राजा थे हमारे पे, प्रिंसली स्टेट चलते थे, ठीक है, बाहर के कंट्री। जब ब्रिटिश इंडिया में आया था, जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तो दो पावर मेन थी, पहली थी प्रिंसली स्टेट, जो राजा रजवाड़े थे वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, शासन चलाते थे, दूसरा था कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्री के लोग आए थे यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इनकी एक स्ट्रैटेजी होती थी, स्ट्रैटेजी होती थी किस तरह की स्ट्रैटेजी, अगर सपोज मैं, अगर सपोज मैं ब्रिटिश हूं, मैं कहीं पे जाता हूं, अगर मैं सीधी सी बात है, मैं अगर किसी अदर कंट्री में जाऊंगा तो मेरी पावर कंपैरिजन उनके बहुत कम रहेगी, बट अगर बहुत ज्यादा माइंडेड थे ब्रिटिश, क्या थे, बहुत ज्यादा माइंडेड थे, वो क्या करते थे, धीरे धीरे लोगों के बीच में झगड़ा लगा के उसको लड़ा के कमजोर कर देते थे, कमजोर होने के बाद उसे ट्रेडिंग कर देते थे, ट्रेडिंग मतलब संधि कर लेते थे, बोलते थे कि अरे भाई जाने दो, चलो हो गया जो हो गया, अब हम क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है, अब अगर इसी तरह से वो दो तीन बार और कर देगा तो उनकी तो हालत खत्म हो जाएगी और उनकी जो पावर थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह की क्या किया उन्होंने, ट्रेंड चलाया, किस तरह के ट्रेंड, पहले वॉर, फिर ट्रीटी कर देना, और फिर पॉलिसीज, ट्रीटीज नहीं होगी तो पॉलिसीज चलेंगी, ठीक है, फूड डालो राज्य करो हो जाएगा, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस हो जाएगा, सब्सिडियरी अलायंस मतलब सहायक संधि वाला, तो बहुत ज्यादा माइंडेड थे वो लोग इतनी बारीकी से इंडिया के ऊपर हस्तक्षेप किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये किसके यहाँ पे आए हैं, उनको लगता था हमारे भले के आए हैं बट उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था, तो हम पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से स्टार्टिंग करेंगे आप देख लीजिए, पहले हम उनकी एक स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, ट्रेंड क्या थी उनकी, वॉर करना, ट्रीटीज करना, फिर पॉलिसीज दे देना, अगर पॉलिसीज नहीं मानती है, पॉलिसीज कब देते थे, ये पॉलिसी कब देते थे, पॉलिसी तभी देते थे जब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते थे, क्यों, क्योंकि ये पॉलिसी जो देते थे उनको मानना ही रहता था, अगर ये पॉलिसी उन्होंने नहीं माना तो तुरंत आक्रमण कर देते थे, ठीक है। तो इतना समझ गया, आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले इंडिया में कौन सी कंट्री आई थी, तो वो कौन थी, पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज कौन आया था इंडिया की खोज, किसने की थी, वास्को दी गामा ने, ठीक है, कभी की थी, 1498 में आई थी, वास्को दी गामा ने भारत की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री डाली कहां पे, कोकिन, 1503 में, ये सब महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए सबसे पहले कंट्री इंडिया में कौन सी आई थी, तो पोर्तुगीज हो गई, कब आई थी, 1498 में, कभी उन्होंने फैक्ट्री डाला, 1503 में, कहां डाला, कोकिन में, या एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं जितनी चीजें बताता हूँ उसको ध्यान रखिए पूरी तरह से, ठीक है, और इन चीजों को अगर आप लिख के याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पोर्तुगीज 1498 में आया, 1503 में कोकिन में क्या डाल दिया, अपना फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। सेकंड बोला ब्रिटिश, जो सबसे खतरनाक था, ब्रिटिश आया 1600 में भारत में अपना पहला कदम रखता है, ठीक है, किसके लिए आया था, ट्रेड के लिए आया था, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन करने, ना शासन करने आया था, और ट्रेड करने आए थे वो लोग, ठीक है। 1600 में आया, 1609 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाल दी उन्होंने, 1600 में आया, 1609 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाल दी। तीसरा कौन आया, डच, 1602 में, उसके दो साल के बाद ही डच भारत में आते हैं, और 1605 में उन्होंने मसूली पट्टनम, आप देखो ये तीन चार नाम ना आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हो पूरे हिस्ट्री में, सूरत,
मसूली, पटनम, सूरत, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रिया इसी यही पे जाने जाती थी। ठीक है, बंगाल हो गया, बंगाल तो बंगाल, दिल्ली, ये सब ज्यादा आपको सुनने को मिलेंगे पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि यही सब ज्यादा मेन पार्ट थे इन सब कारणों के। ठीक है, ब्रिटिश 1600-1609 में फैक्ट्री सूरत की, डच आया 1602 में, 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डाल दी। उसके बाद लास्ट में कौन आता, फ्रेंच, 1498, 1600-1602 और फिर 1664 में फ्रेंच आता है। उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ होती है, सूरत में ही होती है, चार साल के बाद, 1668 में, चार साल के बाद सूरत में पहली फैक्ट्री अपना डाल देता है। कौन, फ्रेंच। अब ब्रिटिश जब यहाँ पे इंडिया में आई तो ये लोग तो डर गए कि अरे अब बाहर अदर कंट्री भी आ रही है, यहाँ पे ट्रेड करने तो मुश्किल हो जाएगी, ट्रेड करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना। ठीक है, तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, बट इनमें से सबसे सारा कौन निकला, ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, इनको हटाना शुरू कर दिया, पोर्तुगीज को, डच को, फ्रेंच को, इनसे लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद इनसे ट्रेटी की और इनको भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश एक अलग पावर बनना चाहता था पूरे इंडिया में। बट ये अभी नहीं शुरू हुआ, मैं तो बोला ट्रेड करने आया था, बट ये अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से इनको भगाया जाता है, ये फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज सबको यहाँ से भगा दिया जाता है। इनका देखो मेन टारगेट कैसे होता है, आप यहाँ से सुनिए, जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट रखा कि हमको अदर कंट्री को यहाँ से भगाना है, सबसे बड़ा काम उन्होंने वो कर दिया। दूसरा, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको खत्म करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनपे हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, जैसे प्रिंसली स्टेट पे पूरा कब्जा कर लिया, अब वो सबसे बड़ी पावर वहां पे बन गई, तो अब आगे कोई पावर बची नहीं, तो उनको ही पूरा संभालना था ब्रिटिश को। इसी तरह से पूरे इंडिया को लूटा गया है, ठीक है, 250 साल तक। अब देखो कैसे स्टार्ट होता है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट एक एक को बड़े ढंग से अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कब आया, क्या किया, कैसे किया उन्होंने और कौन सी फैक्ट्री डाली। तो पहले हम चलते हैं पोर्तुगीज, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया 1498 में वास्को दी गामा भारत में आया, ठीक है, कालीकट तट पे उतरा, ठीक है, और जामोरिन ने उसका स्वागत किया, वहां का राजा था उसने, जामोरिन ने इसका स्वागत किया वास्को दी गामा का 1498 में, कालीकट, याद रखना 1948 में वास्को दी गामा कहां पे आया, कालीकट में, और उसका जो स्वागत किया गया किसने किया, जामोरिन ने, जामोरिन के राजा था, ठीक है। अब जब इन्होंने यहाँ पे इसको एंट्री दे दी और इसने ट्रेड की मांग कर दी, मतलब फैक्ट्री की मांग कर दी कि हम आपके यहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो जब 1948 में आया तो 1503 को इसको परमिशन मिल जाती है और ये कोकिल में पहला फैक्ट्री अपना डाल देते हैं, ठीक है। अब जब ये बात, ये फैक्ट्री वाली बात और वास्को दी गामा भारत पहुंच गई, ये सब बात जब फैलने लगी तो अलग अलग कंट्री के भी लोग यहाँ पे आने लगे और अलग अलग फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करने लगे। 1503 में कोकिन में डाल दिया, 1510 में गोवा को हस्तक्षेप किया, कोकिन में इनका इतना डिमांड तो नहीं था बट इन्होंने धीरे धीरे गोवा को हस्तक्षेप कर लिया, 1510 में गोवा तक ये पहुंच गए। जब ये इनकी बढ़ती हुई इस ग्रोथ को जब देखा ब्रिटिश ने, ठीक है, तो उनको भी ऐसा होने लगा, नहीं अभी तो सॉरी, हाँ 1510 गोवा, और फिर इन्होंने क्या किया, जब ये इनकी जो गोवा की कैपेसिटी थी, मतलब ये जो हस्तक्षेप कर रहे थे, ये जब और आगे बढ़ने लगे उसी समय इनसे झगड़ा हो जाता है, किसी सुल्तान ऑफ बीजापुर से इनका झगड़ा हो जाता है, वॉर हो जाता है, जिसके वजह से दोनों के बीच में जब झगड़े होते हैं तो पोर्तुगीज क्या हो जाता है, हार जाता है सुल्तान पर बीजापुर। मैंने बोला कि इंडियन के लोग इतने कमजोर नहीं थे, अगर हमारे अंदर पहले से यूनिटी हुई रहती, मतलब अगर जितने भी राजा लोग थे अगर सब एक साथ रहते थे तो इंडिया पे कभी ब्रिटिश का राज होता ही नहीं था, बट हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक को लालच दो दूसरे को मरवाओ, फिर किसी और को लालच देके इसको मरवाओ, फिर दोनों खत्म हो गए तो उसको तो हम खुद ही मार लेंगे, तो इस तरह से ये काम चलता था ब्रिटिश का, ठीक है। फूट डालो राज करो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फूट डालो राज करो, इसी के ऊपर तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री डिपेंड है कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी एकता को हमारी तोड़ा, एक को ऊपर किया, एक को नीचे किया, जो ऊपर था उसे नीचे वाले को मरवा दिया, और फिर जब ये नीचे हो गया तो उसको खुद ही मार दिए, तो इस तरह की पॉलिसी चलती थी, बहुत ज्यादा माइंडेड थे वो लोग, उन्होंने किस तरह से दिमाग लगा के पूरे इंडिया को हस्तक्षेप किया। एक दो साल का प्रोसेस नहीं है, टोटल 150 साल का प्रोसेस था। हमने पहला एक्शन लिया 1757 में प्लासी का युद्ध, वहीं से तो रियल में हमको समझ में आता है कि ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आई है, ये क्या करने आई है, हस्तक्षेप करने आई है। उसके पहले तो हमें नहीं समझ में आया था, उसके पहले हम सोच रहे थे नहीं आए हैं ट्रेड करने, ये फरूक्सिया जैसे लोग, इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ दे दिया इनको, जो भी वो चीजें चाहते थे सब कुछ दे दिया, इनको लगता था हम ही है यहाँ पे, बट इनको क्या पता ये आया है ब्रिटिश, ठीक है। तो ये हाल हो गया, तो 1510 में ये डिफेट हो जाता है सुल्तान ऑफ बीजापुर से, तो ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर 1612 में फाइनली बैटल ऑफ
स्वैली, बैटल ऑफ स्वैली को फाइनली ये एकदम ओवर हो जाते हैं, मतलब इनकी इनकी जो ग्रोथ थी वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है और इनका एंड हो जाता है। कहाँ कहाँ तक एंड रह जाता है, इनका जो फैक्ट्रियां रहती हैं, जो इनका कैप्चर जो देश होते हैं, प्रदेश होते हैं छोटे छोटे, वो दीव दमन एंड गोवा स्टेट बच जाते हैं, मतलब दीव दमन एंड गोवा यही तक इनका हस्तक्षेप रह जाता है बस। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू करते रहते हैं छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, और इसके आगे वो बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो पोर्तुगीज की बातें बस यहीं पे खत्म हो जाती है कि वो आए कब थे, कहाँ पे उन्होंने डाला, किसी के साथ उन्होंने वॉर किया, बैटल ऑफ स्वैली में उनको पराजय दे दी गई 1612 में, याद रखना 1612 में एंड कर दिया। और फिर दीव दमन गोवा तक ही ये सीमित रह गए, इनका दायरा बहुत कम रह गया। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन्होंने लाया क्या था, मतलब देखो हमारे इंडिया पहले हमारा जो देश है मसालों का बहुत बड़ा व्यापार था, भारत में मसालों का बहुत बड़ा व्यापार था, भारत बहुत ज्यादा ट्रेड करता था मसालों का। बट अगर मैं बात करूं टोमेटोज की, पोटैटोज की, तंबाकू एंड चिलीज, इसको लाने वाले पोर्तुगीज थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए चिली लाने वाले भारत में कौन थे, तो आपको याद आना चाहिए कौन थे, वो पोर्तुगीज थे। टोमेटो कौन लाया, पोर्तुगीज। पोटैटो एंड तंबाकू ये भी सब कौन लाया, पोर्तुगीज ने लाया है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पोर्तुगीज की। तो पोर्तुगीज कब आया था आपको याद रखना है, कौन आया था पहले, कहां पे उतरे थे, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहां डाली, किसके द्वारा हारे गए, और इनका दायरा कहां तक रह गया, इनके सीमित कहां तक, सीमित कहां तक रह गए, किस बैटल की वजह से हारे, बैटल ऑफ स्वैली। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, और इसको याद करना पड़ेगा। आपको याद नहीं मतलब अगर आपने 2-3 बार इस वीडियो को देखा तो आपको कंफर्म है, याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कौन है, डच। तो पहले पोर्तुगीज, सेकंड हम डच पढ़ेंगे, ब्रिटिश में लास्ट में पढ़ेंगे, ब्रिटिश की हमारा मेन है ना, हमको इनको तो बस यहीं तक देखना है, ये सब आगे थोड़ी जाएंगे, ये सब बस यहीं तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमको राजा रजवाड़ों के बारे में पढ़ना है और ब्रिटिश के बारे में किस तरह से ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया। तो ब्रिटिश का मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसके आगे भी है, ठीक है, बट कमी की वजह से हम इतने आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे भी चलूंगा। पहले हम बाहर की जो कंट्रियां आई उनको भगा देते हैं ब्रिटिश का यूज करके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ गया रहेगा कि कौन 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 सी चीजें लाया। अब चलते हैं डच। डच कभी आया भारत में, 1602 में, ठीक है। पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में डाला, कहां पे, मसूलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री डाल दी। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड मतलब ये डच के लिए, डच वाले लोग आए थे, इन्होंने इस कंपनी को डाला था 1602 में। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहां थी, मसूलीपट्टनम में, ये फर्स्ट फैक्ट्री है 1605 में। इन्होंने ग्रोथ, इनका भी ग्रोथ शुरू हो गया, और सेकंड फैक्ट्री इन्होंने सूरत में डाल दिया 1616 में। आप देख रहे हो कितना गैप है 1605 और 1606 में। इस समय क्या ब्रिटिश था इंडिया में, था ब्रिटिश इंडिया में ना, ब्रिटिश 1600-1609 पहली फैक्ट्री, 1616 सेकंड फैक्ट्री, पूरी की पूरी निगरानी रखा हुआ था ब्रिटिश इनके ऊपर कि इनका हस्तक्षेप, इनका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो किसी तरह से पहले इनको रोका जाए, इनको सब अपने कंट्री से अगर भगा दिया जाएगा, बचेंगे राजा, राजा तो हमारे यहाँ के तो थे ही, ठीक है, आपस में लड़वा दो, लड़ लेते हैं आराम से, ठीक है, तो ऐसे तो हमारे राजा थे। तो सेकंड सूरत में फैक्ट्री डाल दी 1616 में। अब इनका भी काम भारी हो गया था, ये भी हार चुके थे, डिफीट हो चुके थे बाय ब्रिटिश। मैंने बोला ब्रिटिश का पूरी तरह से ध्यान था कि कौन सी कंट्री कितना ग्रोथ करे, जहां थोड़ा सा पैर फैला, चादर से पैर बाहर निकला, तुरंत उनको वॉर करा के खत्म करो। तो डिफेटेड बाय किसके, ब्रिटिश के साथ इनका झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और फाइनली इनको भी यहां से निकाल दिया जाता है, बैटल ऑफ भंडारा 1759, याद रखना 1759, बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, ग्रोथ भी नहीं कर पाए थे, उतना छोटे में जी रहे थे, खा भी रहे थे, ब्रिटिश ने देख लिया 1759 में क्या कर दिया, बैटल ऑफ भंडारा में इनको खत्म कर दिया, ठीक है, और ये अपना पूरे मिस्टर लेके डच वापस चले जाते हैं। आगे ब्रिटिश, अब हम थोड़ा सा ब्रिटिश के बारे में ध्यान देते हैं, ब्रिटिश थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको आगे चल के ब्रिटिश के ही बारे में देखना है पूरा 1947 तक, वहां पे डच पोर्तुगीज थोड़ी आते हैं, ब्रिटिश ही हमारे ऊपर हस्तक्षेप करता है ना, तो इतना तो आपको समझ गया रहेगा, बट हम ब्रिटिश को थोड़ा सा डीपली जाके समझेंगे। और आपको कोई चीज सच में नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, और अगर मैं ज्यादा फास्ट हूं तो भी बता दीजिए, अगर कुछ कमियां लगती तो भी आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो ब्रिटिश 1599 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, जॉन मिल्डेनहॉल, ठीक है, जॉन मिल्डेनहॉल, ये व्यक्ति आते हैं 1599 में, नाम याद रखना, कब आए थे, 1599 में,
ब्रिटिश कब आया भारत में 1600 में, पहली फैक्ट्री 1609 में सूरत, ये आए कब थे 1599, एक साल पहले आए थे, जॉन मिल्डनवाल, नाम याद रखना, इन्होंने इनको भेजा गया था और 1600 में ब्रिटिश की क्वीन जो थी एलिजाबेथ, कौन थी एलिजाबेथ, इन्होंने क्या कर दिया एक चार्टर बनाया और उस चार्टर के तहत ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया जाएगी और उनसे ट्रेड करेगी, मतलब पहले बात करेगी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट करेगी और फिर ट्रेड करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने के लिए इनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, इनका प्लान सिर्फ ट्रेड करना था, बट आगे चल के कंडीशन कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से इनको हस्तक्षेप करने पड़े। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या बता दिया कि जाओ, चार्टर बना दिया, उसको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ट्रेड करेगी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में समय बहुत बड़ा मसाला व्यापार था और भी बहुत सारी चीजों का व्यापार करता था इंडिया, ठीक है। 1608 में ये व्यक्ति, ये तो मिल गया हमको, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहां से निकलो और जाओ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी करके बनाओ, कंपनी फैक्ट्री डालो, ठीक है। 1600 में और 1609 में सूरत में फैक्ट्री, पहले 1608 में एक आया विलियम हॉकिंस, नाम याद रखना, विलियम हॉकिंस 1608 में आए। 1608 में जब विलियम हॉकिंस आते हैं भारत में तो हमारे महान राजा जो रहते हैं जहांगीर, ठीक है, जहांगीर कौन है इसको हम मेडिवल हिस्ट्री में पूरी एकदम सीरीज, इनके पूरे जन्म, दादा, परदादा सबके बारे में बात करेंगे, जब मैं जहांगीर वाले टॉपिक मेडिवल पे आऊंगा तब बताएंगे, ठीक है, अभी बता के कुछ मतलब नहीं है। 1608 में विलियम हॉकिंस जब भारत में आए, 1609 में उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजा जहांगीर को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपकी भी सहायता करेंगे, आप हमसे कस्टम ड्यूटी ले लेना, जो भी जैसा रहेगा देख लेंगे अपना, ठीक है। 1608 में विलियम हॉकिंस आ गए, 1609 में जहांगीर के साथ उन्होंने एक फरमान बनाया और उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए कुछ कर सकते हो तो बताइए, हम फैक्ट्री डाल सकते हैं क्या, ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने इस फरमान को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने फरमान क्या रखा, टू बिल्ड फैक्ट्री, मतलब हम फैक्ट्री क्या रख सकते हैं, बना सकते हैं, तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, बट उस समय तो हम इनको भी नहीं पता था, उनको लगा कि आए हैं ये लोग इसे व्यापार कर रहे हैं, ये भी करेंगे अपना ट्रेड, बट इनका तो अलग ही माइंड सेटअप था, ठीक है। तो बिल फैक्ट्री कर लिया, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया गया सूरत में, फरमान 1909 में रखा गया था, उसको एक्सेप्ट कब किया गया, 1913 में ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देख लो कितना स्लो जा रहे हो, कितना ज्यादा स्लो जा रहे हैं, 1600 में आए, 1608-9 में जाके पहली फैक्ट्री, फिर 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इतना टाइम लेते थे वो, इसलिए हमको नहीं लगता था कि ये कुछ करेंगे, ठीक है, हमको भी लगता था जैसे आए हैं अपना करेंगे धीरे धीरे, ये भी ट्रेड करेंगे जैसे ये लोग करके करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती नहीं, देरी हो गई इनको, ठीक है। हम समझ में कब आया, 1757 रिवोल्ट, प्लासी के युद्ध के बाद हमको जो खतरनाक समझ में आया कि ब्रिटिश क्या कर रही है हमारे साथ, ठीक है। तो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में स्टैब्लिश कर दिया गया, फिर से 1615 में कोई आता है, फिर से 1615 में विजिट करते हैं जिनका नाम रहता है सर थॉमस रॉय, इन्होंने भी एक फरमान रख दिया और फ्री ट्रेड की मांग कर दी कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं, हमको फ्री ट्रेड आप करा सकते हैं, तो उन्होंने इस फरमान को भी मान लिया गया और इनको फ्री ट्रेड करने को दे दिया, मतलब कोई भी ड्यूटी कोई भी कर आपको देना नहीं पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो हमारे यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है ना, राजाओं को खुश कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्या करती थी राजाओं को हमेशा खुश रखती थी, जिसकी वजह से राजा हमेशा खुश रहते थे, उनको लगता था कि आए हैं बेचारे ट्रेड करने के लिए, करने दो, तो ये चलते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इस फ्री ट्रेड को अनुमति दे दी कि ठीक है आप यहाँ पे क्या करो, विदाउट कर, विदाउट कस्टम ड्यूटी कोई भी कर नहीं दोगे आप, और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। 1616 में फैक्ट्री डाल दी कहाँ, मसूलीपट्टनम में, पहली फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कहाँ डाल दी, मसूलीपट्टनम में 1616 में। 1616 में और किसने फैक्ट्री डाली हुई थी, सेकंड, ठीक है, डच ने सेकंड सूरत में 1660 में, याद रखना डच ने 16 सेकंड फैक्ट्री सूरत में थी, उसी समय 1616 में फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन्होंने भी डाल दिया, ठीक है। ये बात हो गई, फिर 1632, 1600 देखो 1613, 1615, 1616, 1632 राइट्स टू गोलकोंडा किंगडम, इनको यहाँ पे भी ट्रेड करने की अनुमति मिल गई। अभी देखो कैसे बॉडी में कोई कीटाणु किस तरह से फैलते हैं, उसी तरह से ये फैल रहे थे,
अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहे थे, बट भारत को बाहर से भनक भी नहीं थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक पूरा बॉक्स बंधा हुआ है, उस बॉक्स को अंदर से पूरा खा रहे, बट बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। वही रीजन यहाँ पे भी था। अंदर अंदर जब पूरी तरह से हमको कमजोर कर दिया गया, तब हमारे लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, और जब तक उनको ये समझ में आया कि यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तक बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो राइट्स टू गोलकोंडा किंगडम इनको मिल गया। 1651 में सिराजुद्दीन जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दीन जो बंगाल का नवाब था, इन्होंने भी राइट्स टू ट्रेड दे दिया इनको। इन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम आए हो ट्रेड करो, हमको थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी कर भी दे देना, हम आपको ट्रेड करने देंगे। ठीक है, उन्होंने मान लिया, और 1651 में सिराजुद्दीन नवाब ने बंगाल में इनको ट्रेड करने की अनुमति दे दी। बंगाल ये एक ऐसा जगह था जहां से पूरे भारत में 60% ट्रेड वहीं से होता था। 60% का जो माल रहता था सबका सब बंगाल से होता था, 40% अदर स्टेट से होता था, बट 60% क्योंकि बंगाल छोटा नहीं था। बंगाल हमारा आज का जो पश्चिम बंगाल है वो बंगाल नहीं था, बंगाल पहले बहुत ज्यादा बड़ा था। आएंगे इस टॉपिक पे भी, बंगाल कितना बड़ा था, कौन कौन से राज्य स्टेट थे उसमें, देखेंगे आगे। अब 1662 में इनको बॉम्बे मिल गया। क्या मिल गया? बॉम्बे, जो कि सबसे मेन था उस समय। बॉम्बे इनको इनके हाथ में आ गया। पहले बॉम्बे मुंबई नहीं था, पहले बॉम्बे बॉम्बे था, मुंबई तो अलग हुआ। पहले बॉम्बे पूरे थोड़ा सा भाग गुजरात का, भारत गुजरात का था, मुंबई का था, मध्य प्रदेश के थोड़े थोड़े भाग थे, इसे मिला के बड़ा बॉम्बे था। ठीक है, तो 1662 में बॉम्बे भी इनके हाथ में आ गया, रिसीव्ड कर लिया एज द डोरी फ्रॉम बिवरी फ्रॉम पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने क्या कर दिया? दहेज दिया। किसको? ब्रिटिश को। क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश के राजा और ब्रिटेन की रानी से क्या हो गया था, शादी हो गई थी, जिससे क्या होता, पोर्तुगीज ने क्या किया, इनको डोरी दहेज दिया। पोर्तुगीज वाले ने क्या किया, इनको दहेज दिया। 1662 में बॉम्बे दे दिया इनको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1961 में, अब देखो 1961 में औरंगजेब ने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को कस्टम ड्यूटी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। औरंगजेब ने क्या बोल दिया, हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इंटरनली में आपको कोई भी ट्रेड नहीं देनी, मतलब आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी, आप आराम से ट्रेड करिए। ये लोग क्यों ऐसा करते थे हर जगह? क्योंकि इनको खुश कर दिया जाता था। इन राजाओं को क्या करते थे, ब्रिटिश कभी इनको ऐसा नजर में गिरे नहीं, इनको हमेशा अपनी नजर में उठा के रखा गया। ठीक है, और इनको हर जगह इनकी जो मांगे रखी गई धीरे धीरे इनको पूरी कर दी चले गए हमारे लोग। 1691 में इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पे ट्रेड करने की अनुमति मिल गई कि आप कर सकते हो विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी इन आउट, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बाहर भी जाओगे तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। फिर फाइनली आते हैं लास्ट में, औरंगजेब जाने के बाद आते हैं फर्रुखशिया। फर्रुखशिया क्या करते हैं, सबसे मेन तो यही है इनको आगे बढ़ाने में। ठीक है, 1717 में फरमान लग देते हैं फर्रुखशिया को, और बता इनको बोला जाता है कि हमको ट्रेड का कंसेशन दे दीजिए। ब्रिटिश आते हैं वापस से, फर्रुखशिया से बोलते हैं कि हमको आप ट्रेड में कंसेशन दे दीजिए, तो आपका भी भला होगा हमारा भी भला हो जाएगा। तो 1717 में फर्रुखशिया ने ट्रेड कंसेशन इनको दे दिया कि दस्तक पास भी बोला जाता है, कि आपको अगर इंडिया में कहीं भी ट्रेड करनी है तो आपको एक पास मिलता था, उस पास को अगर दिखा देते थे तो उनको छूट मिल जाती थी, कोई भी टैक्स कोई भी कर देना नहीं पड़ता था। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्योंकि उस टॉपिक पे आना नहीं चाहता, बट फिर भी आपको समझा देता हूँ। हमारे इंडिया में फैक्ट्री पहले बहुत कम थी, ज्यादातर हाथ से बनाने वाली चीजें यूज होती थी, ज्यादातर किससे बनती थी, हाथ से बनने वाली चीजें। 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, वहां पे चीजें मशीनें से बना के इंडिया में ज्यादातर कंट्री में लाके बेची जाती थी। तो अगर हमारे इंडिया में वो अगर सामान लाके इंडिया में बेचेंगे, इंडिया में अगर सामान लाके बेचेंगे तो आप कौन सा सामान, अगर उनका सामान जो है सस्ता है प्लस अच्छा है तो आप कौन सा खरीदेंगे? जैसे आज हम खरीदते हैं चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सस्ता रहता है अच्छा रहता है तो हम खरीद लेते हैं, हमको अपने से मतलब रहता है, दूसरे से कुछ मतलब नहीं रहता। तो उसी तरह से क्या रहता है, उसी समय वहां पे भी था। तो जो हमारे इंडिया में हाथ से बनाई हुई चीजें रहती थी उनमें ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती थी, हमारे इंडिया में रहकर वो ड्यूटीज देते थे, कर देते थे, टोल नाके पे हर जगह पे पैसे देते थे, टैक्सेस चुकाते थे, जिसके वजह से वो जो प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता था, 2 रुपए का होता था, वो महंगा होकर 8-10 रुपए का हो जाता था। और वहीं जो ब्रिटिश से प्रोडक्ट आते थे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, दस्तक पास दिखा दिया काम भारी हो गया। फिर ये आगे जाते थे, इनका जो प्रोडक्ट होता था इनका 8 रुपए, इनका तो सस्ते में हो गया, इनका 4 रुपए का, इनका 8 रुपए का, जो कि हाथ से बना हुआ, जो कि इनका जो है मशीन से बना हुआ है, तो आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली मशीन से बना हुआ सामान सस्ते में लोगे।
तो इसी तरह से इन लोगों ने ये चापलूसी करके हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वाट लगा दी और उसको खत्म करा दिया पूरी तरह से। ठीक है, मतलब अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में नहीं थी, कोई भी हाथ से बनाने वाला सामान हमारे इंडिया में नहीं था बिकॉज ऑफ इनके। आप बोलते हैं कि पहली ट्रेन कब स्टार्ट हुई, 1853 में ठाणे टू मुंबई। ठीक है, ये भी उन्होंने इसीलिए बनाया था कि हम जल्दी जल्दी ट्रेड कर पाए, बट हमारे इंडियंस को लगता था कि ये यहाँ पे पहले, अब हम क्या सोचते हैं कि अगर इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो सीधी सी बात है ग्रोथ हो रहा है तो मतलब हो रहा है। अगर कोई चीज नहीं आती है जैसे मेट्रो आ गए तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है, बट मेट्रो लाया क्यों जा रहा है वो हमको समझना था। तो वैसे ब्रिटिश ने जब ट्रेन लाया तो हमारे इंडियन को लगा कि यार अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो भारत में ट्रेन आ गई, बट वो ट्रेन अपने लिए लाए थे। ठीक है, जो माल होते थे उसको फटाफट बंदरगाह तक पहुंचाया जाए और कच्चा माल लिया जाए। उसके बाद हमारे इंडिया को फोर्स किया गया कच्चा माल बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स। आप रॉ मटेरियल्स बनाएंगे, हम ट्रेन के थ्रू बैठाएंगे, जाएंगे वहां से पक्का माल बना के तुमको ही बेचेंगे। ठीक है, तुम्हें कच्चा माल दो, तुम्हें प्रोडक्ट खरीदो। तो कच्चा माल 2 रुपया खरीद के उनको प्रोडक्ट 10 रुपये का दिया जाता था। इससे क्या हो गया, इंडिया में कोई भी औद्योगिक क्रांति नहीं रहेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गया था, कोई भी हाथ से बनी हुई चीजें यूज नहीं करता था, सब वहीं से यूज करते थे। तो इस तरह से इंडिया को अंदर से पहले खोखला किया गया। जब देखा गया कि इंडिया पूरी तरह से कब्जे में आ गया, ब्रिटिश का राज चलने लगा। ठीक है, 1717 में फर्रुख ने ट्रेड कंसेशन इनको दे दिया, दस्तक पास वाला। सबसे बड़ी गलती इन्होंने यहाँ पे ये कर दी कि मिल्टिंग ऑफ ओन कॉइन्स, सबसे खराब काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि आप क्या कर सकते हो, अपने कॉइन्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने खुद के कॉइन बनाने का मतलब आप समझ रहे हो, खुद के कॉइन। अगर सरकार अभी यहाँ पे किसी को बोलता आप खुद के कॉइन बनाओ किसी अदर कंट्री को, तो क्या होगा। तो वही हाल यहाँ पे भी हुआ, उनको खुद के कॉइन बनाने के इतना ज्यादा खुश हो गया फर्रुखिया कि इनको मिनटिंग ऑफ द ओन कॉइन्स बोल दिया गया कि आप खुद के कॉइन यहाँ पे बना सकते हो। तो इन्हीं के कॉइन्स को यूज करके अपने इंडिया वालों को धोखा दिया उन्होंने। ठीक है, अपने ही पैसे को यूज करके अपने ही लोगों को मारा और अपने ही थ्रू, ठीक है, हम ही लोगों ने दिया और हम ही लोगों को मारा गया। तो ये बात यहाँ पे सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब जरा आप ग्रोथ देखिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश 1600 में आया, यहाँ पे यहाँ तक का ग्रोथ आप समझ पा रहे हैं। तो किस तरह से वहां तक पहुंचे मिनटिंग ऑफ ओन कॉइंस, ये उनकी चापलूसी थी, चालाक थे बहुत ज्यादा वो। ठीक है, माइंडेड थे, मिनटिंग ऑफ ओन कॉइंस, खुद की कॉइन्स बनाने के लिए उनको मिल गया, यहाँ पे फ्री ट्रेड मिल गया, जबकि हमारे इंडिया में लोग रहने वाले फ्री ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, बाहर से आने वाले फ्री ट्रेड कर रहे थे। तो ये हमारे राजा रजवाड़ों की वजह से होता था, जो कि राजा प्रिंसली स्टेट रहते थे उन्हीं की वजह से होता था। ठीक है, तो अब ये बात हो गई किसकी, मैंने इस लेक्चर, बस इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि क्या और सारी चीजें हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद फ्रेंच पढ़ेंगे। मैंने क्या क्या पढ़ा, पुर्तगीज पढ़ा दिया, ब्रिटिश नहीं पढ़ा, ब्रिटिश तो खत्म ही नहीं होगा जब तक आजाद नहीं हो जाएंगे, डच पढ़ा दिया, फ्रेंच बाकी हुई। ठीक है, फ्रेंच को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा और फिर ब्रिटिश तो अपना कंटिन्यू होगा ही यहाँ पे, बट ब्रिटिश के इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके, फ्रेंच, पहले फ्रांस को देखेंगे कि वो किस तरह से हस्तक्षेप करता है और फिर इसको किस तरह से ब्रिटिश हटाता है, इनको तो हटा दिया अब ब्रिटिश इनको भी हटा देगा, फिर वो आ जाता है किसके ऊपर, हमारे राजाओं के ऊपर। मैंने बोला था ना दो चीजें हैं भारत में जब ब्रिटिश आ जाती, तो पहले अदर कंट्री वाले और फिर हमारे भारत के लोग, तो प्रिंसली ये भारत के इनके सॉरी अदर कंट्री के लोगों को हटा देगा तो बचेगा कौन, भारत के लोग। अब भारत के राजाओं को आपस में झगड़ा लगा दिया, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था ब्रिटिश जितना हमारे राजा स्ट्रांग थे, बट फिर भी उनके माइंड को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से थे वो। वो लोग क्या करते थे, अगर सपोज सामने दो टीमें खड़ी है, मैं ब्रिटिश हूँ, तो इन दोनों को पहले वो देखते थे कि इन दोनों का झगड़ा है या फ्रेंडशिप है, अगर झगड़ा है तो जिससे झगड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ लेके दोनों को मिला के बोलता था तुम्हारा भी दुश्मन हमारा भी दुश्मन, तो हम दोनों दोस्त हो गए, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, हम दोनों दोस्त, लेके जा लड़ लेते थे, लड़ लिए उसको कमजोर कर देते थे, और जब एक समय आता था खत्म हो जाता था तो इसके दुश्मन को ढूंढा जाता था कि तुम्हारा दुश्मन कहाँ है, तो उसको पकड़ के इसको, इस तरह से कंडीशन चलती थी, और इसी तरह से उन्होंने पूरे भारत में हस्तक्षेप किया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके वजह से मुझे भी पता चले कि मेरे चैनल को कौन कौन देख रहा है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे बेल आइकन दबा देंगे तो इससे यही फायदा होगा कि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट मैं करूंगा तो आप तक तुरंत पहुंचेगी।
ठीक है, निश्चिंत रहिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म करूंगा। आप कम से कम मॉडर्न के ऊपर भी मैं 10-15 वीडियो डालूंगा, उसके बाद हम पॉलिटिक्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, फिर जैसे तीनों हो जाएंगे फिर मैं एक एक वीडियो तीनों का डेली डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।